अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्ट। मल्टीकलर वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है गार्लिक NF-756 या आपका गार्लिक NARC की जो वैरायटी है G1, जिसे एलिफेंट गार्लिक भी कहा जाता है, उसको स्टोर करने का तरीका। वैसे तो स्टोर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो गार्लिक NF-756 को स्टोर करने का तरीका है वो बेहतरीन ये है कि आप पहले तो गार्लिक को उखाड़ के उसकी छोटी छोटी गांठें बनाएं। गांठें बनाने के बाद उसे खुश्क करें किसी छांव में, आवादा जगह पे खुश्क करने के बाद जब मुकम्मल खुश्क हो जाए तो फिर इस तरह जो है आप उसके चट्ठे भी लगा सकते हैं, इस तरह उससे जुड़ाई कर सकते हैं। जुड़ाई करने का एक तरीका ये है कि आप इसे नीचे से स्पेयर थोड़ा सा फैलाते जाएं, ऊपर ऐसा ऐसा क्लोज करते जाएं, एंड पे आके फुल क्लोज कर देंगे तो आपका जितना भी गार्लिक है उसको हवा लगती रहेगी, ऊपर पंखा चलता रहेगा स्टोर, और वैसे भी स्टोर में हवा की क्रॉसिंग गुजर जो है ना वो होता रहता है। अगर आप इसको एक ही जो है ना साइज में लेके जाएंगे तो फिर जो दरमियान में आपके बल्ब आएंगे उनको हवा बहुत कम लगेगी, जिससे अंदेशा है कि हो सकता है कि वो आपकी तुरियां जो है वो खुश्क हो जाएं या वो नरम हो जाएं गर्मी की वजह से या अब्बस की वजह से। लेकिन जो ये तरीका है ये बेहतरीन तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे हैंग कर दे, हैंगिंग करना भी बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन जब आप 15-20 एकड़ या 50 एकड़ या एक एकड़ का भी माशाल्लाह गार्लिक इतना आ जाता है कि एक एकड़ को भी हैंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फार्मर के लिए, तो हैंगिंग के लिए तो आपको काफ़ी सारे जो है ना जगह चाहिए। तो इस तरह रखने के लिए आप एक कमरे में वैसे 1.5 से 2 एकड़ का इजीली रख सकते हैं। ये मैंने जो सीड मेरा बचा था वो मैंने स्टोर कर दिया है, बाकी का जो है वो मैंने सब्ज मंडी में सेल कर दिया है। इधर देख सकते हैं ये भी मैंने छोटे छोटे लगा दिए हैं, अभी कुछ सफाई हो रही है। जो एक रेट सीड है वो निकाल के हम इंशाल्लाह रख देंगे, और जितने हमारे फार्मर्स हैं या जो यासर एग्रोकेमिकल के प्लेटफॉर्म से सीड परचेज करते हैं उनको हम ये आप देख सकते हैं कि एक रेट का सीड हम उन्हें देते हैं, इसमें से जो छोटा साइज होता है, बिल्कुल छोटा साइज होता है वो हम निकाल देते हैं, वो मंडी में सेल करते हैं जिस रेट मर्जी हो जाए। वो आप देख सकते हैं कि हमने जो जालियाँ भर दी हैं वो सेल करने के लिए भरी हैं, बाकी जो ये हमारा एक रेट सीड बचा है वो स्टोर कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के पैसे आए हुए थे हम उनको कंसाइनमेंट जो बुकिंग है उनकी ली हुई थी, हम उनको माल ऐसा दे रहे हैं। इंशाल्लाह आज से हमारी G1 की हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह कल उसकी भी वीडियो डालेंगे और उसके स्टोरेज के हवाले से भी आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह।